पेपर में अमित शाह जी पेपर में ये भी कहा गया, अमित शाह जी जरा ध्यान में सुनिए, वर्तमान में काराकोरम दर्रे से लेकर चुमा तक 65 पीपी है, मतलब पेट्रोलिंग प्वाइंट है, जिन्हें इंडियन सिक्योरिटी फोर्स द्वारा नियमित रूप से गश्त किया जाना है। 65 पीपी में से 26 पीपी यानी पीपी नंबर 5 to 17, 24 to 32, 37, 51, 52, 62 में हमारी उपस्थिति प्रतिबंधक या ISF की द्वारा गश्त नहीं करने के कारण खो गए हैं। ये सही है या गलत है आप बताएं। 17 बार मिलिट्री लेवल पे टॉक्स हुई है, 18 बार हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात हुई थी चीन की प्रधानमंत्री जी को, लेकिन नतीजा क्या निकला ये हमें जानकारी जरूर दीजिएगा, क्योंकि लद्दाख हमारे ही ये देश की एक अखंड इलाका है। हमारे किरण रिजिजू जी बोल रहे थे अरुणाचल के बारे में, 2022 जनवरी में पूर्वी लद्दाख में एलएसी से लगभग 40 किलोमीटर दूर चीनी द्वारा पैंगोंग सो पर एक पुल के निर्माण का ताजा उपग्रह छवियां सामने आई। आप बोल सकते कि हम कोई भी गुमराह करने के लिए बात बताते हैं, छोड़ दीजिए, हम तो यहाँ एक बार नहीं 100 बार यहाँ गुहार लगाई थी कि भाई चीनी अतिक्रमण के बारे में सदन के अंदर चर्चा हो, आपने चर्चा करने की इजाजत नहीं दिया। लेकिन 1962 में जब चीनी हमला हुई थी हिंदुस्तान पे, तब स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी इस सदन के प्रधानमंत्री बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी मांग किया था कि हमें चर्चा करने का मौका दिया जाए, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के मांग पे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट खुलवाकर 165 एमपी जिसमें शामिल हुई थी वो डिस्कशन में ये सदन देखा है, इसका सारे नबूत सरकार के पास है। और उसमें ये भी बताते हैं स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू खुद अपना खामिया को दर्शाया था, और किस लिए ये हुआ, क्यों ऐसा हुआ, सारे व्याख्यान दे चुके थे। और इस और सारे व्याख्यान की बात, ये सारे जो सदन प्रभावित होकर एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करवाया था, तो वो हम क्यों वो मिसाल अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्यों आप डरते हैं। हाँ बोलिए। अधीर रंजन जी कह रहे हैं अभी क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त खामियां थी, अभी कोई खामी ही नहीं है तो कैसे करें। हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आए थे तब जाकर चर्चा करी थी, क्या बात कर रहे हो आप, इस तरह से नहीं होता है। चर्चा कब हुई थी, हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आ गए थे तब जाकर चर्चा हुई। क्या हुआ, 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई, आप नकार सकते, 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। अगर एक बार एक काम कीजिए ना, सारे ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर आप चलिए ना लद्दाख में, हम देखना चाहते हैं, आपको हिम्मत है ले जाने के लिए, बताइए आप खुद को कहां छुपाना चाहते हैं, आप चीन को डरते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा, किरण रिजिजू भाई आप सुन लो, अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा जोर क्षेत्र में पीएलए ने 18 जनवरी 2022 को भारतीय क्षेत्र के अंदर से 17 वर्षीय भारतीय मीराम तोरण को अपहरण कर लिया। भाजपा सांसद रिटर्निंग भाजपा सांसद श्री तपीर गांव ने भी ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को पीएलए द्वारा युवा लड़के भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। आप राहुल गांधी के खिलाफ गाली दोगे, आप राहुल गांधी जी को पाकिस्तान की दलाल बनाओगे, वो इनसेंसिटिव है। और हम जब असली मुद्दे उठाते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। ये दो तरीके की बात नहीं हो सकता, ये दो तरीके की बात नहीं हो सकता। 2022 मैं बताता हूँ, जुलाई में मीडिया द्वारा दिखाई गई नई उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि डोकलाम में 9 किलोमीटर पूर्व में निर्मित एक चीनी गांव, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामने हुआ था, अब लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों के साथ पूरी तरह से बसा हुआ है। चीन द्वारा 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की इसी सलामी टुकड़े का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। अगस्त में विशेषज्ञों के उपग्रह बताते हैं पीएलए की सतह से हवा में मरने करने वाली मिसाइल साइट डोकलाम के उत्तर में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत भूटान और चीन में बीच
ट्राई जंक्शन सीमा क्षेत्र में मार्च में हो रहे हैं। अधीर जी एक सेकंड, ये पूरी तरह चालू है। माननीय अध्यक्ष जी, अधीर जी को जो बोलना है वो बोल सकते हैं, सिर्फ सदन का रिकॉर्ड देश और दुनिया के लिए ऑथेंटिक होता है, इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि इतना बता दे कि मैं सिर्फ अखबार के हवाले से कह रहा हूं, ये कोई अधिकृत बात नहीं है। बाद में जो बोलना है बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अखबार पढ़कर इतनी बड़ी बात जो देश की सीमाओं के साथ जुड़ी है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सदन में नहीं रखनी। कह चुके हैं सर, आपने शायद सर अमित शाह जी आपने शायद नहीं सुने होंगे। मैंने कह दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई, मैंने कह दिया था, मैं कोई गुमराह करने वाला बात नहीं कहता, मैंने कह दिया था, जिक्र कर दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई। अच्छा, नवंबर में आपका लद्दाख में वांगचुक उपवास करते थे, वो क्या कहे वो भी आप सुन लिया करो।